नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन की क्या प्रोसीजर रहती है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कितने साल का रहता है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो थियरी या प्रैक्टिकल यानी क्या सिलेबस रहता है, क्या पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने से आपको क्या बेनिफिट मिला, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने के बाद आपको कहाँ पर जॉब मिली, यानी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे जो आपके सवाल है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल टेलर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन यानी कि जो सप्लाई हमारा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का यूज़ होता है और उसकी हेल्प से हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेंस जैसे पंखे ट्यूबवेल उसको चालू बंद करने का काम करते हैं, जो भी व्यक्ति चालू बंद करने का काम करते हैं, एक सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का यूज़ करके हमारे मशीन को चालू बंद करने का काम करना और उसको रिपेयरिंग करना व्यक्ति को हम इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों जो एडमिशन की प्रोसीजर है वो मिनिमम 10 पास होना चाहिए, यानी 10वीं पास आप कर ले तो कंप्लीट कर ले तो अच्छे परसेंटेज के हेल्प से तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन के लेने के लिए। और उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दो आपके पैटर्न होती है, NCVT और SCVT। NCVT यानी नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी अगर ये सर्टिफिकेट पे यानी ये पैटर्न में आपको एडमिशन मिलता है NCVT में, जिसके परसेंटेज ज़्यादा हुए उसके हिसाब से उसका मेरिट लिस्ट बनता है, उसके हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो अगर NCVT में आपको मिलता है तो ये सर्टिफिकेट आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको SCVT में पैटर्न में एडमिशन मिले, यानी स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी आपका जो स्टेट होगा, मान लीजिए मैं गुजरात स्टेट हूँ, तो मेरा जो सर्टिफिकेट होगा ITI इलेक्ट्रीशियन का वो सिर्फ गुजरात स्टेट में ही वर्क करेगा, दूसरे स्टेट में वो वर्क नहीं करेगा, महाराष्ट्र पंजाब वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वैलिड नहीं कहा जा सकता। तो वैसे सिलेबस तो दोनों का सेम ही रहेगा, SCVT ऐसे कोई भी चेंज नहीं रहता, सेम ही रहता है, सिर्फ ये पैटर्न का फ़र्क रहता है। तो वो आपके परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आपका ज़्यादा परसेंटेज हो तो उस हिसाब का एडमिशन मिल जाएगा। तो ये होगी इसके एडमिशन की प्रोसेस और 2 साल का कोर्स रहता है। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करते हो तो उसके अंदर थियरी क्या पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली जो मेरा नॉलेज है कि ITI इलेक्ट्रीशियन अगर कोर्स कोई भी आप ITI के कोई भी ट्रेड में एडमिशन ले तो मोस्टली प्रैक्टिकल पर ज़्यादा भार दिया जाता है, यानी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा कोई भी ट्रेड के अंदर। थियोरेटिकल तो नॉलेज मिलता ही है, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको यानी ग्राउंड लेवल पर आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर इसके सिलेबस की बात करूँ, ITI के जो भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, फीटर या ले लो या कोपा ले लो, जितने भी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन वेल्ड है, तो उसका जो सिलेबस रहता है मोस्टली डिग्री डिप्लोमा के 80-90% डिग्री डिप्लोमा जो होते हैं उसके सेम ही रहता है। डिग्री डिप्लोमा थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है, मगर जो बेसिक होता है टॉपिक के, जो भी टॉपिक के बेसिक है, तो वो सब चीज़ें आपकी ITI के अंदर सिखाई जाती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो टॉपिक की बात करूँ तो जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी सारे टॉपिक है, ओम्स लॉ आता है, सीरीज पैरेलल सर्किट आती है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, यानी सर्किट के बारे में पढ़ाया जाता है, वो भी प्रैक्टिकल साथ के अंदर आप प्रैक्टिकल बता के पढ़ाया जाता है, यानी आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जनरेटर होते हैं, DC AC जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, और पूरा घर का वायरिंग कैसे किया जाता है वो समझाया जाता है, बिलिंग कैसे किया जाता है, घर के वायरिंग का बिल कैसे बनेगा उसके बारे में बेसिक सिखाया जाता है, और ट्रांसफॉर्मर जैसे समझा, MCB पूरी आपको खोल के बताया जाएगा किस तरह से MCB का जो फंक्शन काम करता है, किस तरह से वो ऑपरेट होती है, कौन से नियम पे रूल्स पे वर्क करते हैं वो भी सिखाया जाता है। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, और इंसुलेटर जब आपने देखा होगा ट्रांसमिशन उसके बारे में, और उससे काफ़ी सारे टॉपिक है, अगर ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे जो आपके ट्रांसफॉर्मर में और इन्वर्टर है, UPS है, और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैन के इलेक्ट्रिक आयन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर वर्क करते हैं, जो हमारे अप्लायंसेज वो कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, कैसे उसको खोल के रिपेयरिंग करना है, क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट रहता है, वो सारी चीज़ें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सिखाई जाती है। यानी प्रैक्टिकल द थियरी दोनों पे वर्क किया काम किया जाता है, प्रैक्टिकली ज़्यादा आपको सीखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू डिग्री डिप्लोमा। मुझे लगता है डिग्री डिप्लोमा के साथ ज़्यादा आपको ITI के अंदर सिखाया जाता है, जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल को आपको ज़्यादा सीखना होगा, यानी ग्राउंड लेवल पर आपको सीखने को मिलेगा। तो ये हो गई सिलेबस की। और अगर आप इसके अंदर एग्ज़ाम, 2 साल का कोर्स है, 2 आपको सालाना एग्ज़ाम देनी रहती है, तो उसके अंदर आपको ट्रेड थियरी रहती है, तो ट्रेड प्रैक्टिकल की आएगी, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल आपका ITI में होगा, ट्रेड थियरी के लिए आपको CBT एग्ज़ाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो वो आपको PC पे देनी पड़ेगी, उसका सेंटर अलग आ सकता है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन का छोटा सा सब्जेक्ट रहता है, ES रहता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहता है, और इंजीनियरिंग, ये इतने सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसके आपको अलग से जानना है किस तरह से परसेंटेज होता है, मार्क्स कितने लाने रहते हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर समझाना जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। उसके बाद ITI इलेक्ट्रीशियन का कोर्स आप कंप्लीट करते हो
तो आपको जो बेनिफिट मिलता है सबसे पहले तो आप पैट एक आपका जो 12वीं अगर आपने कंप्लीट नहीं किया था 12वीं पास के अलावा और उसके लिए आपको अलग से 12वीं का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो अलग से बाहर से इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर उसके बाद वो पास करके उसका सर्टिफिकेट आ जाए तो ITI के सर्टिफिकेट से आपको अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको 12वीं पास का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 12वीं इक्विलेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट अगर 12वीं कंप्लीट नहीं किया आपको। ठीक है, सेकंड जो आपका बेनिफिट है कि डायरेक्ट आपको डिप्लोमा एडमिशन लेना है, यानी आप ITI से डायरेक्ट डिप्लोमा में जाना है। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स रहता है। अगर आप ITI आपने 2 साल का ITI किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, तो फिर डायरेक्टली आपको डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, यानी डिप्लोमा आपका 2 साल का हो जाएगा, यानी 4 साल 2 ITI के और 2 डिप्लोमा साल करने के, तो 4 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर आप ITI इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करते हो तो आपको लाइसेंस दिया जाता है, तो वो लाइसेंस से आप सब वायरिंग का काम कर सकते हो। चौथा पॉइंट कि अगर आप ITI इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करते हो तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके नीचे आप काम करते हो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए उसको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, वो बेस पर आप अप्लाई करोगे तो आपको अलग से दूसरे एक सर्टिफिकेट मिला लाइसेंस के लिए, तो उसके बेस पर आप कहीं पे शॉप खोलना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपका चौथा बेनिफिट होगा, यानी 4 बेनिफिट आपको ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स करने से मिलते हैं। आप खुद का वायरिंग के शॉप खोल के भी काम कर सकते हो। जो लास्ट, अगर आप उसको बेनिफिट भी कह सकते हैं, ITI इलेक्ट्रिशियन करने सरकार ने जो अप्रेंटिसशिप एक्ट रखा है उसके हिसाब से आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करके 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप कर सकते हो और उसका स्टाइपेंड आपको मिनिमम 8 से 9 हज़ार मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ITI इलेक्ट्रिशियन करने से कर सकते हो, ये इसके बेनिफिट हो गए। अभी ITI इलेक्ट्रिशियन करने से आपको कहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो दोस्तों बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिशियन कोर्स में। पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो आप रेलवेज में अप्लाई कर सकते हो, दूसरे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर होगा वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, और दूसरे जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी विभाग है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बेस की वैकेंसी निकले टेक्निकल पर्सन की ITI इलेक्ट्रिशियन की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो प्राइवेट में तो आपको पता है कि कहीं पे आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको टेक्निकल ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल पे आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आराम से कर सकते हो, तो वो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है। और मान लीजिए यहाँ पे अपन दोनों साइड पर काम नहीं है, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मैंने समझाया कि आप लाइसेंस ले लोगे ITI इलेक्ट्रिशियन का, आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप खुद की शॉप डाल के खुद का वायरिंग का धंधा कर सकते हो, आराम से बिजनेस चला सकते हो। आपके नीचे ITI पास करके लड़के को रख के आप उससे भी वायरिंग करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप ये काम भी कर सकते हो, खुद का छोटा बड़ा भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे ITI इलेक्ट्रिशियन के बेनिफिट, और दूसरे भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आप कर सकते हो। आप जैसे मैंने समझाया प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और खुद का बिजनेस करना है। तो आई होप दोस्तों ये छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी मेरा पॉइंट छूट जाता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इसी तरह ट्विटर के दूसरे डेट पर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।